की उन्होंने लाइनें सिखाई होगी मुझे, फिर तो हम सब अपने आप करने लगे। मतलब कोई रोक जब हमें वो तालाब की लाइनिंग बताने आते हो, पढ़ाने आते हो, बिल्कुल जरूरत नहीं हुई और बस लाइनिंग बना के हम लोगों ने तालाब जोहर बनाने शुरू किए। नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे यहां जेंटल स्लोप है तो यहां जो है फ्रैक्चर ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, और ये जो क्रास का गांव है इस गांव की औरतें आल ग्वाल में पानी लेने जाती थी, इनके 7 घंटे बर्बाद होते थे एक मटकी पानी लाने में, अभी ये 5 मिनट में पानी लेके आ जाती हैं। राजस्थान की औरतों को ही पता है पानी का कष्ट कितना होता है और कितना समय उनका बर्बाद होता है। बंबई की आपको किसी को पता नहीं है क्योंकि आपके बाथरूम में 5 रुपए में 1000 लीटर पानी मिल जाता है। पानी की जो असली कीमत है उसको तो यही जानती है। अभी इनको 5-6 मिनट में एक मटकी पानी ले आते हैं, यहाँ पर कुआ है और पास में गांव है और छोटा सा काम किया है, कोई इसके लिए किसी फंडिंग एजेंसी से या किसी सरकार से पैसा नहीं लिया, इन्होंने अपनी मेहनत से अपने पसीने से ये तालाब बना लिया। नेक्स्ट, ये लिखा हुआ तो हम छोड़ देते हैं। ये जो तालाब है ये उल्टा, इसको हम उल्टा तालाब कहते हैं। उल्टा तालाब जैसा अनुपम भाई कह रहे थे कि पौनी लगाने से उसका पानी का वो बट जाता है, ये ऐसा ही है। पानी ऊपर से बहुत तेजी से आएगा तो बिना लोहा डाले, बिना आयरन स्टील डाले, चूने का ये तालाब बना है, बस जो भी पानी तेजी से आता है उसका दबाव दोनों तरफ बढ़ जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये जो है ये हमारे नहाने पीने और ये जो भी घरेलू काम में आने का तालाब है, इसमें हमें सालों भर पानी चाहिए, इसका पानी सूखना नहीं चाहिए, इसलिए हम ऐसी जगह बनाते हैं इसको जहां मिट्टी में थोड़ा चूने का हिस्सा होता है, उसको बोरम भी कहते हैं, उसको लाइम कंटेंट भी कहते हैं, और ये हमारे पीने नहाने खाने धोने के काम में आता है। हमारे सारे तालाबों का उद्देश्य अलग अलग होता है, कुछ नहाने धोने और पीने और पशुओं के लिए होते हैं और कुछ धरती माता का पेट भरने के लिए होते हैं। नेक्स्ट, चलो देखो, ये जो कुआ है ये कुआ 80 फीट गहराई तक सूखा हुआ था, तुमने देखा है कुलकर्णी, ये भावता का महिला घाट के ऊपर हुआ है, बिल्कुल सूखा हुआ था। अभी इस कुएं में 5 फीट पर पानी रहता है। कितनी एनर्जी बची, कितनी ऊर्जा बची, और ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है कि जिस दिन फोटो लिया उसी दिन नहीं हुआ पानी। ये मैं पिछले 25-26 साल से देख रहा हूं इसी लेवल पे पानी रुका हुआ। नेक्स्ट, ये तुम्हारे महाराष्ट्र का फोटोग्राफ नहीं है, ये फोटोग्राफ राजस्थान के उसी नदी के आसपास के इलाके का है। अभी इन्होंने अपने पेड़ और फसल और खासकर फसलों में बड़ा ख्याल रखा, सरसों की फसल इन्होंने ज्यादा उगानी शुरू की क्योंकि सरसों में पानी कम खर्च होता है। ये कुछ पढ़े लिखे लोगों की रिसर्च है, ये प्रोफेसर के एन जोशी और प्रोफेसर राठौर, इन्होंने कहा राजेंद्र देखो तुम जो काम करते हो तुम सरकार से लड़ते रहते हो तो तुम्हारी बात को सरकार सुनेगी नहीं, हम जरा पढ़े लिखे इंस्टीट्यूट के IDS के प्रोफेसर हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के, हम रिसर्च करेंगे तो फिर तुम्हारा जो काम है उसको स्केलिंग अप होगा, रीएप्लीकेट होगा, सरकारें इसमें से देख के काम करेंगी। तो मैंने कहा यार मेरा क्या जाता है, तुम क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा इसकी हम 9 साल की एक कंट्रोल स्टडी करना चाहते हैं, एक रिसर्च करना चाहते हैं और फिर हम सरकार को बताएंगे और फिर सरकार इस काम को करेगी। तो मुझे मालूम था कि सरकार नहीं करेगी और मुझे यह भी मालूम था सरकार क्यों नहीं करेगी, पर मैंने सोचा कि यदि के एन जोशी इस काम को करते हैं तो अच्छा ही है। तो आप देखेंगे कि 1993 में काम के बहुत बाद ये रिसर्च हुई, फिर बहुत ज्यादा लोग जानने लगे तब, तो ये 1057 हेक्टेयर एक कंट्रोल एरिया इन्होंने डिमार्केट किया और इसकी स्टडी की और ये टोटल वेस्टलैंड है उस वक्त। नेक्स्ट, इसमें अब आप एक चीज खास देखने की है जो बाद में कुलकर्णी जी आपको इसकी वैज्ञानिक पहलू समझाएंगे, मुझे वैज्ञानिक पहलू समझाना नहीं आता। ये जो देखें, ये नंबर आपको लगे हुए दिख रहे हैं ना जगह जगह, ये जो जगह जगह नंबर दिख रहे हैं ना,
और ये दिख रहे हैं, और आप तो बीच में पूरी खाली जगह दिख रही है, क्यों भाई? कोई पॉलिटिशियन होता, एमएलए होता या एमपी होता तो कहता, देखो मेरा वोटर यहाँ रहता है राजेंद्र, यहाँ बनानी है तुझे झोपड़, वहां तू क्यों बना रहा है मुझे मैं नहीं जानता, यहाँ बना। लेकिन हम तो किसी एमएलए एमपी की सुनने वाले थे नहीं, हमने तो गांव वालों की सुननी थी। तो गांव वालों ने कहा, भाई साहब ई में तो सड़ अहिया छे, तू यही बना। तो जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, 55 दिख रहे हैं ना आपको, इस छोटे से एरिया में 55 बनी है। ये 55 की 55 उसी सीरीज में है जहां से वो पानी, और ये इलाका खेती वाला इलाका है, उनको कुओं में पानी चाहिए था जिससे वो सिंचाई कर सके। वो जोहड़ में पानी नहीं चाहते थे, वो धरती के ऊपर पानी नहीं चाहते थे, वो धरती के नीचे पानी चाहते थे जिससे वो पानी उनको जब जरूरत हो तब निकाल ले। तो उन्होंने उसी तरह की साइट चुन के ये वाटर बॉडीज बनाई। इसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, 2001 में आते आते ये जो टोटल वेस्ट लैंड थी वो प्रोडक्टिव लैंड बन गई। सारी जमीन पर देखो यहां भी खेती होने लगी। यहां तो हमने कोई डैम वैम नहीं बनाया था, ना जोहर, ना तालाब, कुछ नहीं बनाया, लेकिन यहां भी खेती होने लगी, क्योंकि वो जो उसका मॉइस्चर है, पानी की जो वो है, वो नीचे की तरफ आता है, तो सब जगह पानी आ गया और ये पूरी की पूरी स्ट्रीम बहने लगी। नेक्स्ट, ये सब काम किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था, पानी का बार खड़ी मुझे नहीं आती थी, मुझे तो मांगू काका ने सिखाई, तो जो मांगू काका ने मुझे सिखाया मैंने उस इलाके के गांव के लड़कों को सिखाया, और इन सब के गांव के लोगों के मन में खोपड़ी में बहुत ज्ञान है। भाई सच्ची मैं आपके सामने बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन उस ज्ञान को शब्दों में सामने रखना वो उनकी बड़ी मुश्किल है। मतलब उस ज्ञान को, जो ज्ञान इनकी खोपड़ी में है, दिल में है, दिमाग में है, वो उससे किसी दूसरे को पढ़ा नहीं सकते, पर बता देते हैं कि देख यहां पानी का करना है। ये डिसीजन बताते हैं, ये डायरेक्टिव नहीं करते कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। पढ़े लिखे लोग थोड़ा उन चीजों को थोड़ा डायरेक्शन दे देते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं, इनके डिसीजन होते हैं कि नहीं नहीं इसको यहां बनाओ, क्यों बनाए ये नहीं, ये कहेंगे कि देखो भाई इसमें सड़ ऐसी है, बस इतना ही बता सकेंगे। तो इन्होंने फिर पूरी यहां के गांव के सब लोगों ने मिलके कहां कितना पानी आता है, कैसे कैसे रोक सकते हैं, उसकी पूरी मैपिंग की धरती पर, कागज पर, सब तरह से। और ये वो सब गांव के लड़के हैं, कोई किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं है। नेक्स्ट, हमारे यहां ये जो डेवलपमेंट का डिजास्टर है, ये डेवलपमेंट का डिजास्टर 60s में शुरू हुआ। ज्यादा हम लोगों को बहुत पैसा दिया गया इरिगेशन इंक्रीज करने के लिए, तो हमारे यहां कोई नहर तो थी नहीं, हमारे इलाके में आसपास नहीं कोई नहर नहीं थी, तो हमें ओपन वेल बनाने के लिए बहुत पैसा आया। तो हम लोगों ने ओपन वेल बहुत बनाए शुरू में, तो जो कुछ सब सरफेस पर पानी था, जो सब सरफेस एक्वीफर में पानी था, वो तो हमने वेल्स से निकाल लिया, कुओं से निकाल लिया। फिर जब कुएं सूख गए तो फिर हमें ट्यूबवेल के लिए पैसा मिलने लगा, तो फिर हम सब सरफेस एक्वीफर से अंडरग्राउंड एक्वीफर में, डी अंडरग्राउंड एक्वीफर में हमारे ट्यूबवेल लगने लगे। फिर जब अंडरग्राउंड एक्वीफर सूखा तो फिर हम डीप अंडरग्राउंड एक्वीफर में यहां तक आ गए 150 मीटर तक, और जब ये भी सूख गया तो फिर सबमर्सिबल पताल तोड़ तक आ गए और हम बेपानी हो गए, और बेपानी होके हमारी नदी सूख गई। हमने कुछ ज्यादा बड़ा करिश्मा किया नहीं, क्या किया कि जो पानी ऊपर से आ रहा था वो उसको होल्ड करने के लिए यहां पर रोक दिया, और यहां जैसे ये रुका तो पानी नीचे आके ये सब सरफेस में आ गया, और सब सरफेस में तैरते के साथ कुएं में आ गया। ये कोई करिश्मा नहीं है, अब ये कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है। इसको हर गांव का हर इंसान समझता है कि भैया इस पानी को यदि ऊपर रोक देंगे तो धरती का पेट पानी से भरेगा, और जैसे ये भरेगा तो फिर हरियाली भी आएगी। अब मैं ये फोटो आपसे पूछना चाहता हूं, आपका इम्तहान भी ले सकता हूं, ये फोटो आपने आज देखा है क्या? अनुपम भाई मत बताना, बाकी और बता दे।
फर्स्ट अरे यार इनके नाम की ताली तो बजा दो जिन्होंने इतना एकदम फर्स्ट है. चलो बताओ देखो इनका इनका बताया हुआ ठीक है कि नहीं. इम्तहान तो ले ले. ये पूरा पहाड़ जैसे आप देख रहे हैं ना पूरे का पूरा नंगा था और ये पेड़ भी नहीं थे. और ये दोनों फोटोग्राफ फरवरी के महीने के हैं. ऊपर वाला फोटो भी फरवरी का है और नीचे वाला भी फरवरी का है क्योंकि फरवरी में फरवरी के लास्ट में हमारी सरसों पर फूल आता है. तो अभी ये वही नदी उसी जगह से लिया हुआ. देखो भाई ये फोटोग्राफी वोटोग्राफी हमें आती नहीं थी और ये भी सब दिखाना नहीं आता था. पर हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग आए. किसी ने हमें पुराने जमाने का वो फोटो दे दिया. किसी ने हमें कुछ रिसर्च करके दे दिया. अभी आप देखेंगे हिमांशु कुलकर्णी ने पूरी इस नदी का रिसर्च करके उस पर बता दिया कि देखो यार ये तुम्हारे यहाँ पानी कहाँ है कैसे. हमें नहीं आता था हम इस चक्कर में पड़े ही नहीं. लेकिन हमें बहुत सारे लोगों ने हमसे कभी कुछ लिए बिना कभी किसी ने कुछ फोटो दे दिया कभी किसी ने कुछ ये लिख के दे दिया कभी किसी ने कुछ लिख के दे दिया. तो उससे अब हमें पता चल गया हम भी समझ गए कि यार क्या होता है. नहीं तो हमें जो ये काम पानी वानी का आता नहीं था. जैसे हमने कहा ना हमने पानी पढ़ा था ना पानी लिखा था. हम तो पानी करते करते सीख गए. तो ऐसे ही नेक्स्ट दूसरा एक और सवाल पूछता हूं. देखो ये नदी है वो नीचे का वही नदी है जो मैंने पहले दिखाई थी लेकिन उसके उस हिस्से पर ये तीन बांध दिख रहे हैं. जरा कोई बताओ कि इनमें से कौन सा बांध इस हिस्से पर बना है. इस हिस्से पर तुम बताओगे तो मुझे याद रहेगा कि यार इन लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी थी और इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया था. नहीं बताओगे तो फिर मेरा मामला गड़बड़ हो जाएगा. देखो ये जो जगह है ना ये जगह इन तीनों में से कौन सा है. क्या हुआ नीचे वाला ना इसने कहा. अरे यार उनके नाम की ताली बजा दो कम से कम. बिल्कुल 25 साल के बाद कैसे चेहरा बदलता है धरती का. चेहरा हमारा तो बदलता ही है. हम तो आज खुश हैं ही कि यार आज हम जरा बंबई में आके इनके यहाँ बोल सकते हैं कि हमने नदियां जिंदा की है. हमारा तो चेहरा बदलता ही है लेकिन धरती का भी चेहरा बदलता है. नेक्स्ट ये नीमी गांव का चित्र है. नीमी गांव जो है वो जयपुर से 35 किलोमीटर दूर है और इस गांव के सारे लड़के जयपुर में जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ना जो ट्रक चलाते हैं उनके यहाँ बेलदारी का काम करते थे. ट्रक भरने का काम करते थे. 5-6 इनकी सारी रिश्तेदारी गोपाल वहां भावता के आसपास में थी. तो भावता में अच्छा काम हो गया था सबसे पहले. इनके यहाँ बाद में हुआ तो इन्होंने कहा इनके यहाँ हो गया तो हमारे यहाँ भी करेंगे. तो नीमी गांव में इन्होंने अद्भुत पानी का काम किया और अद्भुत में से यदि आप देखें तो कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं. देखो ये जो है ये यहाँ पीछे पहाड़ी दिख रही है आपको. इस पहाड़ी का पानी आके इन्होंने यहाँ एक गहरा सा ताल बना दिया जो हर जिसे कहते हैं गहरा तालाब बना दिया. और यहाँ की मिट्टी सैंडी सॉइल है. अभी तक की जो मैं मिट्टी दिखा रहा था वो थोड़ी अलग तरह की है. यहाँ की मिट्टी बिल्कुल रेतीली मिट्टी है. तो जैसे पानी रुका वो पानी नीचे तक 7-8 किलोमीटर तक मिट्टी में नीचे तक आ गया. तो इन्होंने क्या किया फिर इन्होंने इतनी छोटी छोटी ट्रेंचेस खोदी उसमें रेत में और जहां उनको मॉइस्चर मिला नमी मिली वहीं सब्जियां बो दी. अब वो सब्जियां जब होने लगी तो उस पर फिर ऊपर से रेत डाल दिया तो नीचे की नमी ऊपर तो गई नहीं पेड़ों को नमी मिलने लगी. तो बिना सिंचाई के खूब सब्जियां होती हैं और यहाँ की सब्जियां राजस्थान की सब्जियों के नाम से आजादपुर मंडी में 2 रुपए महंगी बिकती है दूसरी सब्जियों से क्योंकि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ये नहीं डालते और ये सजीव सब्जियां हैं. ऐसा करके अभी भी आप वहां जाएंगे पूछेंगे राजस्थान की सब्जी लेनी है तो उसका एक अलग ही उन्होंने अपना वो बना रखा है. तो अब इस नीमी गांव के लड़के जयपुर के उन सेठों को रोजगार देते हैं जिन सेठों के यहाँ ये रोजगारी करते थे. हमारे लड़कों ने इतना तो अनुशासन रखा कि कल तक जिनके यहाँ मजदूरी करते थे उन्हीं मालिकों के ट्रक वो अपनी सब्जी को दिल्ली पहुंचाने का. एक तो पुराना विश्वास था एक रिश्ता था उसके कारण भी पुराने रिश्ते के कारण भी और वैसे भी उन्होंने उतना सम्मान रखा.
तो मैं कह सकता हूं कि कल तक जिस सेठ से मजदूरी लेते थे अब उस सेठ तो मजदूरी देते हैं। तो ये भी परिवर्तन आता है पानी के काम से, यदि हम छोटे छोटे पानी के काम करते हैं तो। नेक्स्ट, अब तुम यदि सारे काम की कहानी सुनने की कोशिश करो तो ये चार चीजें हुई है। मैं जो भी कुछ वहां पुराना ज्ञान था, लोकल लोगों की जो समझ थी, उससे ये काम हुआ, और जो भी कुछ किसी ने किया उस कम्युनिटी ने किया, समाज ने अपना सब मिलजुल के तय करके जो काम किया, और ये जो था एक तरह से सारा काम एक जैसा नहीं है। अब देश में एक ऑर्डर निकल जाए तो सारे देश में लागू हो जाए, ऐसे नहीं। ये पूरे का पूरा कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज था, पूरा एक जैसा सब जगह नहीं था। और इस काम में बस दो ही चीज थी, एक तरफ तो ये था कि पानी को बचाना है, पकड़ना है जो बह के जा रहा है, और उसको रोकना नहीं, धरती माता को देना है, भले वो नीचे जा रहा है, उसको रोक के कोई अपने घर में नहीं, धरती माता के पेट में रहे। तो एक तरफ कंजर्वेशन का काम किया और दूसरी तरफ डिसिप्लिन यूज किया कि भाई इस जितना कम पानी है, इस कम पानी में कौन सी फसलें हो सकती हैं। तो हमारे गांव के लोगों ने रेन, जो बारिश का चक्र है, उस बारिश के चक्र को अपने खेती के चक्र के साथ जोड़ दिया। फसल चक्र और वर्षा का चक्र, इन चक्र के साथ जुड़ने के कारण हमारा इलाका पानीदार बन गया। नेक्स्ट, अब ये जो अच्छी बातें मैंने अभी तक आपसे कही, इन अच्छी बातों के विरोध में क्या है, इन अच्छी बातों को कौन काटता है? भाई जब इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं।